और उपस्थित सदन, मैं उन बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करूंगा जो अब तक की गई हैं, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा होगा। प्रोफेसर अनिमेश दास जी ने जो प्रेजेंटेशन हमें दिखाया और दीपक रतन सर ने जो हमें प्रेजेंटेशन दिखाया, मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की जगह टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता ज़्यादा है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या कैपेक्स इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार किस हद तक और कितना करेगी। तो सर, हमने अपने प्रदेश में एक नया प्रयोग शुरू करने का प्रयास किया है, कुछ हद तक आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है। जैसे सर, आजकल ज़्यादातर सड़कें हम BOT बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल पर बनाते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को रखते हैं। क्यों ना हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसे कि कैमरे, एनालिटिक्स और साथ में हाई स्पीड चेक करने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, कंट्रोल रूम, क्यों ना हम उसी के साथ ऐड कर दें। और जिस तरह से बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र में चीज़ें ऑपरेट होती हैं, उसमें 10 रुपये, 5 रुपये या 15 रुपये एडिशनल कॉस्ट आएगा, उसी मॉडल पे चीज़ें सर आगे बढ़ती रहेंगी। वी आर ट्राइंग टू डू दिस। सर, एक और मुद्दा है हमारे बीच में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के है। हमने अपने स्टेट में एक नया मॉडल खड़ा करने की कोशिश की है, अगेन बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। पीपल हैव लैंड, दे विल कम फॉरवर्ड, दे विल इन्वेस्टमेंट, वी विल गिव देम टाइम पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द वायबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सिटी, एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर वन टाइम ऑफ आफ्टर वन पर्टिकुलर पीरियड, वी विल गो फॉर अनदर अरेंजमेंट मैनेजमेंट। एंड ये एक ऐसा मॉडल है सर, जिसमें हम लोग अपने यहाँ स्किल मिशन को भी जोड़ रहे हैं। वी आर टेकिंग स्किल मिशन ऑल्सो, जिसमें स्किल ट्रेनिंग एक तरफ होगी, ड्राइविंग टेस्ट एक तरफ होगा, जो सारथी के साथ हम उसको जोड़ पाएंगे, और सीधा फीड जो है वो RTO ऑफिस को जाएगा, जिससे इन्फोर्समेंट का एक पक्ष जो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ है, वो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ साथ ठीक हो जाएगा। मैं एक तीसरे मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस पूरे कैंपेन में हमें सफिशियंट फंड की आवश्यकता है। हम लोगों ने अपने राज्य में एक फंड क्रिएट किया है और उसको हमने सेस के थ्रू किया है। हमने अलग अलग चीज़ों पे सेस लगाया है, हम देखते हैं कि और कहाँ तक हम जा सकते हैं। हालांकि ये सफिशियंट नहीं है, लेकिन इसके लिए हम अगर एक अच्छा फंड क्रिएट कर पाए तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को हम एक साथ हैंडल और टैकल कर पाएंगे। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में परिवर्तन की भी है। जैसे आजकल कुछ एक राज्यों में, मुझे उत्तर प्रदेश का अनुभव नहीं है इस मामले पे, पहले ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिलेशन की जो प्रक्रिया होती थी वो अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका सरलीकरण किया जाना आवश्यक है। और अगर हम उस प्रक्रिया को सरलीकृत कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव होगा और आने वाले समय में इसके प्रभाव के सुपरिणाम भी हमें दिखाई देंगे। मैं एक छोटे से और मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे हालांकि ये इस का विषय नहीं है, इसके पहले वाले सेशन का विषय था। आजकल मूवी थिएटर में कम, नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा देखी जाती है, यूट्यूब पे ज़्यादा देखी जाती है, और इस तरह के माध्यमों का व्यवहार ज़्यादा होता है। क्यों ना हम मैंडेटरी एडवर्टाइजमेंट, जिसको आप फॉरवर्ड न कर सकें, वो हर इन चीज़ों के साथ हम जोड़ दें, और ये हर कंपनी की CSR एक्टिविटी का पार्ट होगा, जिसको करना उनके लिए एकदम से मैंडेटरी होगा। शायद हम कर सकते हैं, मैं इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और आखिरी चीज़, इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे कि स्कूलों में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने पिछले सेशन में कहा था, स्कूलों में काफ़ी गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारे यहाँ भी हो रही हैं, और हम सारे ही लोग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि अगर हम उनसे कहें कि आप स्लोगन बनाते रहो, भेजते रहो, और कंटिन्यूस हम अवार्ड देते रहें, और उसी स्लोगन्स को, उसी स्केचेस को, उसी फोटोग्राफ्स को, और जैसे कि हमारे जो एक पिछले सेशन में डॉक्टर साहब ने
काफ़ी कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाए सर जिसको देख करके बड़ा डर लगेगा, जैसा कि हम देखते हैं कि सिगरेट पीने वाले लोग सिगरेट के पैकेट के ऊपर कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, कितना उससे इम्पैक्ट आया। लेकिन अगर हम लिकर की बॉटल पे उस तरह के फोटोग्राफ्स और सोशल मीडिया के अन्य अन्य माध्यमों पे अगर हम मैंडेटरी कर दें कि इस तरह की चीज़ें स्लोगन्स जो लोगों से आ रही हैं वो स्प्रेड होती ही रहेंगी और होना ही होगा, तो मुझे लगता है कि शायद इसको भी किया जा सकता है। वी आर ट्राइंग टू डू दिस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुराधा शुक्ला मैम को धन्यवाद दूंगा कि मैडम ने यहाँ बुलाया। मैं माननीय मंत्री श्री माननीय परिवहन मंत्री सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद।